हेलो एंड वेलकम। आज हम एक फ्लाइंग बर्ड क्रिएट करेंगे स्क्रैच में। तो इसके लिए हमने एक बैकग्राउंड सेट कर लिया, यहाँ से एक बैकड्रॉप चूज़ कर लिया और एक स्प्राइट ले लिया। अब ऐसा स्प्राइट लिया है जिसका एक कॉस्ट्यूम भी हो, जिस तो कि हम इसका एक नेक्स्ट कॉस्ट्यूम चेंज कर सकें। जैसे कि इस बर्ड का एक और कॉस्ट्यूम है, हम यहाँ पर देखें तो ये इसका एक सेकेंड कॉस्ट्यूम भी है। तो आप ऐसा ही स्प्राइट चूज़ करिए जिसको आप जिसका मूविंग आप दिखा सकें। इसका साइज़ भी हमने थोड़ा सा रिड्यूस कर लिया। तो हम पहले तो इसकी एक पोजीशन सेट कर लेते हैं। हम यहाँ पे 0 0 पे रख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे गो टू कहीं सेंटर पे 0 0 पोजीशन पे इसको हम सेट कर लेते हैं। जब ये हम फ्लैग क्लिक करें तो इवेंट हम ले लेते हैं, व्हेन फ्लैग क्लिक इट विल गो टू दिस पोजीशन, यहाँ पे इस पोजीशन पे आ जाए। अब इसको मूव कराना है तो हम इसे मूव कराने के लिए मोशंस में जा कर के मूव 10 steps। ये फ्लाइंग हमें दिखाना है तो कंटिन्यूसली मूव करना है, तो हम इसमें एक कंट्रोल लगा लेते हैं फॉर एवर मूव 10 steps। तो अगर हम इसको क्लिक करें तो ये फॉर एवर मूव कर रहा है 10 step, बट ये एक बार में ही मूव कर जा रहा है इस साइड पे। तो हम इसके लिए इसमें वेट लगा लेते हैं। तो लेट्स से कि हमने ये वेट लगाया तो ये ऐसे मूव कर रहा है। अब ये बहुत ही स्लो है तो यहाँ पे इसकी नंबर को, इस वेट को हम चेंज कर लेते हैं, वेट फॉर 2 seconds एंड देन ये धीरे धीरे मूव कर रहा है। अब ये मूव तो कर रहा है लेकिन हमें फ्लाई करता हुआ नहीं दिख रहा, तो इसके लिए हम इसके नेक्स्ट कॉस्ट्यूम को चेंज करते हैं। तो यहाँ से हम ये नेक्स्ट कॉस्ट्यूम लेके लगा लेते हैं। अगर हम क्लिक करें, स्टॉप करते हैं, फिर यहाँ पे ले आते हैं। अभी चेक कर रहे हैं हम, तो ये आपको फ्लाई करता हुआ दिख रहा है। तो इसको हम इसके साथ अटैच कर देते हैं, व्हेन क्लिक और व्हेन फ्लैग क्लिक, आप इसको देख रहे हैं इट इज़ फ्लाइंग। अब ये फ्लाई करके यहाँ पे जा कर के स्टक हो जा रहा है, यहाँ पे जा कर के वेट हो जा रहा है। तो हम इसके लिए कि इस एंड पे आ जाए तो हम इसे वापस इस लेफ्ट साइड से स्टार्ट करके फिर से हम फ्लाई करते हुए दिखा सकें, इसके लिए हम एक इफ़ यूज़ करते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं समवेयर यहाँ पे जब आ जाए इस पोजीशन पे लाइक 193 और 200 और 220, तो हम इसको वापस से गो टू लगा करके नेगेटिव पोजीशन से फिर से फ्लाई कराएंगे। तो इसके लिए एक इफ़ लगा लेते हैं, इफ़ यहाँ पे चेक कर लेते हैं इसमें पोजीशन। मोशन में जाके हम पहले एक्स पोजीशन ले लेते हैं यहाँ पे। अब इसमें चेक कर लेते हैं एक्स पोजीशन के लिए एक ऑपरेटर ले लेते हैं, इफ़ एक्स पोजीशन इज़ ग्रेटर, एक्स पोजीशन इज़ ग्रेटर देन से 220, तो ये क्या करें हम इसको गो टू कर ले इस साइड पे कहीं नेगेटिव वैल्यू में, वापस से यहाँ से स्टार्ट कर लें। तो हम अगर यहाँ पे जा कर के गो टू ले लें तो गो टू 220 एंड इसको हम यहाँ पे 0 कर लेते हैं, फ्लैग्स क्लिक करते हैं। ये फ्लाई कर रहा है इस साइड पे, यहाँ जैसे ही पोजीशन चेंज होती है यहाँ से राइट साइड से जा कर के वो फिर से लेफ्ट साइड से कंटिन्यू करता है एंड अपने नेक्स्ट कॉस्ट्यूम में आता जाता है। तो ये एक फ्लाई, हम कॉस्ट्यूम नेक्स्ट यूज़ करें बट ये फ्लाई करता हुआ दिख रहा है। होप यू फाउंड दिस ट्रिक यूजफुल। स्टे ट्यून फॉर सच यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।